लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। वसंत पंचमी के अवसर पर नवम्बई के कामोठे में सरस्वती पूजा समारोह आयोजित किया गया, जहां तमाम छात्रों और श्रद्धालुओं ने माँ शारदा की पूजा आरती की। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन शिवसाई सामाजिक सेवा संस्था द्वारा इसका आयोजन किया गया था। संस्था के महासचिव अशोक सिंह ने इसे नई पीढ़ी में आस्था जगाने का जरिया बताया। देखिए रिपोर्ट। नवम्बई के कामोठे में शिवसाई सामाजिक सेवा संस्था ने सरस्वती पूजा समारोह का आयोजन किया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने ज्ञान की देवी मां शारदा की पूजा आराधना की। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहां रामायण पाठ एवं आरती कार्यक्रम भी चला, जिसमें भक्तिभावित लोगों ने हिस्सा लिया। शिवसाई सामाजिक सेवा संस्था के महासचिव अशोक कुमार सिंह और कार्याध्यक्ष संजय सिंह सुमन ने बताया कि नई पीढ़ी में आस्था और संस्कारों की प्रेरणा भरने के मकसद से बीते 17 सालों से सरस्वती पूजा आयोजित होता रहा है। इसमें बड़ी संख्या में भक्त और श्रद्धालु शामिल होते हैं, जो इसकी सफलता का संकेत है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। माँ सरस्वती का पूजन, यह एक विद्या की देवी है, एक पूरा आस्था रहता है इस देवी के लिए। इसलिए प्रत्येक बसंत पंचमी के दिन प्रत्येक शहर में इस तरह की आवश्यकता महसूस होती है। उसी धार्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिवसाई सामाजिक सेवा संस्था एक पूरे जनसमूह को लेकर के इस पूजा अर्चना का आयोजन करती है। जैसा कि पिछले 2 सालों में कोरोना का टाइम आया हुआ है, तो उसका हम लोग भी गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए इस पूजा का हम लोग अनवरत रूप से चालू रखे हैं। पिछले साल भी आयोजन हुआ था, इस बार भी आयोजन हुआ है। तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि अपने जो नई पीढ़ी आ रही है, वह माँ सरस्वती के पूजन के प्रति उनका आकर्षण बना रहे, उनका पूजन में आस्था बनी रहे। यही एक संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि यह विद्या की देवी हैं और पूरे समाज में उनका आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पे हम लोग बहुत तरह तरह के राज्यों से कमोठे में बहुत सारे जनसंख्या में रहते हैं, और एक यहाँ पे एक धार्मिक कार्यक्रम के रूप में हम लोग हर साल आयोजन करते हैं। तो इससे यही लोगों में मैसेज आती है और लोग यहाँ पर आते हैं, और हर तरह के लोग, हर राज्य के लोग यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। विद्या की देवी हैं और इनसे लोगों को, हर घर में हर बाल बच्चे को इनसे लाभ मिलती है। आज हमारे समाज में तरह तरह के भ्रांतियाँ हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के समस्याएं हैं। उन समस्याओं का निदान कैसे होगा अगर हम सामाजिक एक साथ जुड़ करके अगर उन बच्चों को न बताएं कि हमारी मूलभूत सांस्कृति क्या है। आज इस कमोठे में, इस मंदिर के प्रांगण में होने वाले सारे के सारे त्यौहार इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हैं, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो जान सके कि हम किस तरह से ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति क्या है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस विश्वामित्र सत्संग समिति का, साई सरस्वती मंदिर का, जो इस कोरोना काल के दौरान भी सब परिवार को सब गाइडलाइन के साथ जुड़े हुए हैं, अपने कार्यक्रम को किए हुए हैं। मैं इस बात को और बेहतर तरीके से जान सकता हूं जब हम अपने भारत भूमि को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, किस तरीके से अकेलापन महसूस होता है। यहां आने के बाद ये पता चलता है कि हमारी भूमि, हमारी संस्कृति क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समितियों का जो इस तरह के सरस्वती पूजन का आयोजन करती, क्योंकि हमारी बुद्धि की देवता हैं। अगर हमारी बुद्धि सही रहे, हमारी प्रज्ञा मेधा सही रहे, तो हमारे सारे काम, जीवन सुखमय हो जाएगा। नई पीढ़ी को सर सरस्वती माता के पूजा के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम महानगरों में रह के अपने संस्कार, अपने जो पूर्वज जो करते आए हैं, इधर सब भूल गए। ये बहुत बड़ा एक जरिया है। गेट टुगेदर तो छोड़िए, हमारे बच्चे को बताना जरूरी है कि ये माता का पूजा कैसे है। अभी भी महानगर में बहुत जन को मालूम नहीं है कि सरस्वती माता की पूजा क्यों की जाती है। इससे आज महानगर में आज तक मालूम नहीं था, लेकिन पिछले 20-25 साल से इधर के भी आदमी लोग को मालूम पड़ रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि सरस्वती माँ का पूजा क्यों किया जाता है, तो उनको भी आजकल मालूम पड़ रहा है। वो लोग भी अभी स्टार्ट करना शुरू कर दिए पूजा। कल हमारे भी बहुत दोस्त पूछ रहे थे कि भाई इतना क्या है, मैं बोला नहीं, सरस्वती माँ का पूजा है, वो विद्या की देवी है और वही, उन्हीं के ऊपर तो सब है हम लोग। तो बोले नहीं, बहुत बढ़िया है, अब हम लोग भी करेंगे और चलिए आगे आने वाला पीढ़ी भी करेगा, यही बहुत बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।